ओ माय डियर रॉक स्टार, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द आरके फार्मा रॉक स्टार यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द स्वराज बैच। सो स्वराज बैच का एडमिशन ओपन है आप सबके लिए। आप सबको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। सो आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ एनाटॉमी के क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन कौन सा है, प्रेजेंट डिपार्टमेंट का एज वेल एज DSSSB का। अपकमिंग में आएगा BMC का एज वेल एज MPSC का, और SSC की भी वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। SSC का थोड़ा एज मैटर रहता है, 18 to 25 रहती है उसकी, रिलैक्सेशन भी होता है, बट OBC वालों ओपन वालों के लिए बहुत कम होता है। OBC के लिए तो भी ठीक है, 3 years का दिया है, बट ओपन के लिए तो कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। डिटेल्स आपको थोड़ी देर बाद या फिर कल मिल जाएगी, या फिर जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि टेलीग्राम पे क्विज कंडक्ट होता है, आपको देना एसेंशियल है। जिनको लगता है कि अपना सिलेक्शन होना चाहिए या फिर इम्पॉर्टेंट है जिनके लिए सिलेक्शन, सो वी ज्वाइन कीजिएगा। सब टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों तरीके के क्विज टेलीग्राम पे कंडक्ट किए जाते हैं। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग बुक्स। जिन लोगों को बुक्स बाय करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आपको सिंपली वहाँ जाके क्लिक करना है। जो भी बुक चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं ले सकते उनके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपको स्वराज बैच डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है, ठीक है। जब भी क्लास होती है टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया जाता है, या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया जाता है, या फिर इंस्टाग्राम ID ऑल्सो गिवन हियर, या फिर किसी क्लास में होगी तो आप देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो चलते हैं, देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के हैं, कितने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेट्स गो। सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है, सो इग्नोर कीजिएगा, वाइल टाइपिंग हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बोला है इज नॉट अ बोन इन द लेग्स, कौन सा होता है जो लेग्स में नहीं होता है। सो विच वन इज करेक्ट, टिबिया, रेडियस, फिबुला, फीमर, विच वन इज करेक्ट। सो ए होता है रेडियस, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज रेडियस, विच इज नॉट रेडियस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है फिर रेडियस, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द इन्फेक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, कौन सा होता है जो प्रोटेक्ट करता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ द अबव, सो विच वन इज करेक्ट। तो ए होता है WBC, विच वन इज दैट, WBC, ठीक है। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 96 फ़ारेनहाइट, 93 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 96.4 फ़ारेनहाइट, कितना होता है। तो ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। The total number of bones in human skulls are, the option are here, the first one 24, second one 25, the third one 22 and the last one 28. कितना होता है total number of bones in human skull, तो ये होता है total 22, option number C is correct one, which one is correct, option C is correct one,
Then, question number 5th. Myocardium is the special muscle tissue found only in. कहाँ पे found होता है myocardium? In liver, in skin. So the next question is, question number 5th. Myocardium is a special muscle tissue found only in the. कहाँ पे found होता है? Liver, skin, heart, lungs. कहाँ होती है? So myocardium is the special muscle tissue found only in the. कहाँ? Heart में. ठीक है? Option C is correct one. Next question. The blood pressure is the pressure of blood exerted on the walls of. कहाँ पे exerts होता है? Arteries, veins, ventricles, auricles. कहाँ पे होता है? तो the blood pressure is the pressure of blood exerted on the walls of होता है arteries. कहाँ पे होता है? Arteries. ठीक है? Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. First part of small intestine is. कौन सा होता है? First part of intestine, small intestine. Ileum, duodenum. एक second. So next question is that first part of small intestine is. कौन सा है? Ileum, jejunum, duodenum. Which one is correct? So option D is correct one. Which one? That is duodenum. Option D is correct one. Next one. Question number 8. Oxytocin is the hormone released from. कहाँ से release होता है? Anterior lobe of pituitary. Next, posterior lobe of pituitary. Third, interfollicular cell of thyroid gland. Third one, interfollicular cell of thyroid gland. And the last one, none of the above. So, कहाँ से secrete होता है? Release होता है? ये होता है. Posterior lobe of pituitary. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next one. Which of the following is not bone in the human body? Sternum, pericardium, humerus, tibia. So which one is correct? Which is not bone in human body? कौन सा होता है? तो यह होता है. Option B is that. That is pericardium. Which one is that? Pericardium. Next question. The heart is covered by membrane that is called. क्या बोलते हैं उसे? The heart is covered by membrane called epicardium, myocardium, pericardium, epidermis. So, the heart is covered by membrane that is called pericardium. That is called pericardium. Cardium. Option C is correct one. Next one. Question number 11. Oxygen is transported to every cell of the human body is that. The option are given here. Red blood cell, white blood cell, platelets, all of the above. So which one is correct? So ye hota hai. That is red blood cell. Kya hota hai? Red blood cell. Oxygen is transported to the every cell of the human body that is RBC. Which one is that? RBC. Option A is correct one. Next question. Question number 12. SA node of heart is known as. SA node of heart is known as. The first one, pacemaker. Second one, autoregulator. Third one, beat regulator. And the last one, pacesetter. क्या बोलते हैं उसे? SA node is known as a, that is called pacemaker. SA node is known as a pacemaker. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next one. Pituitary gland is present. कहाँ पे present होता है pituitary gland? सबको बताया मैंने pituitary regarding भी बताया है. Thyroid gland regarding भी बताया है. अभी कुछ दिनों पहले एक क्लास ली थी उसमें सब डिस्कस किया है. एंटीरियर पिट्यूटरी में कितना होता है, कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, देन पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कितना होता है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने होते हैं, ठीक है सब बताया है. देख लीजिएगा एक बार क्लास. सो
पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? द फर्स्ट वन ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनी, सेकेंड वन डीप इन द मिडल ऑफ योर ब्रेन, द थर्ड वन लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो योर हाइपोथैलेमस, द लास्ट वन अराउंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ट्रैकियल रिंग, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सो ये प्रेजेंट होता है, दैट इज लोकेटेड एट द, सो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो योर हाइपोथैलेमस. गॉट इट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से सिक्रेट होता है बाइल जूस? किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, विच वन इज करेक्ट? सो बाइल जूस सिक्रेटेड होता है लीवर से. कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से. सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, दैट इज लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल? द ऑप्शन आर गिवन हियर. क्वेश्चन में क्या पूछा है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल? तो किससे होता है ये? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल? तो ये होता है, दैट इज गैस्ट्रिक पैराइटल सेल. किससे होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, दैट इज गैस्ट्रिक पैराइटल सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, वाइटल प्रोसेसेस लाइक योर हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय. वाइटल प्रोसेसेस लाइक योर हार्ट बीट, ब्रीदिंग, जितना भी नॉइज आता है ना गाइस, इग्नोर किया करो, ठीक है, मेरी तरह. सो कहाँ तक पहुँचे? हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय. किससे होता है कंट्रोल? किससे होता है? सेरेबलम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ऑल ऑफ द अबव. सो वाइटल प्रोसेस जो होती है लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, एक कंट्रोल होता है किससे? दैट इज मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज, द ओनली मूवेबल स्कल ऑफ बोन इज, मैक्सिला, द फर्स्ट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 17, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज, कौन सा होता है? द फर्स्ट वन मैक्सिला, सेकेंड वन इथमॉइड, द थर्ड वन मैंडिबल एंड द लास्ट वन स्पिनॉइड. सो विच वन इज करेक्ट? सो द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल होता है, दैट इज मैंडिबल. विच वन? मैंडिबल. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, द हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस आर, कौन सा होता है? द फर्स्ट वन एंटी डायरिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, सेकेंड वन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, थर्ड वन थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, एंड द लास्ट वन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन. सो विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है द फर्स्ट वन एंटी डायरिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द स्मेल? वॉट पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल द स्मेल, कौन सा होता है? द फर्स्ट वन पैराइटल लोब ऑफ सेरेब्रम, सेकेंड वन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, थर्ड वन सेरेबलम एंड द लास्ट वन ऑल ऑफ द अबव. सो विच वन इज करेक्ट? कौन सा होता है? सो ए होता है पैराइटल लोब ऑफ सेरेब्रम.
ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? द फर्स्ट वन लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वन राइट एट्रियम, थर्ड वन राइट वेंट्रिकल एंड द लास्ट वन लेफ्ट एट्रियम. विच वन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव द वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? सो ए होता है, दैट इज राइट एट्रियम. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसीज एक्सेप्ट द फर्स्ट वन क्रोन्स डिसीज, सेकेंड वन रूमेटाइड आर्थराइटिस, थर्ड वन मायस्थेमिया ग्रेविस एंड द लास्ट वन सिकल सेल एनीमिया. सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट? द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम हार्ट? द ऑप्शन आर गिवन हियर, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, सेकेंड वन साइनो एट्रियल नोड, थर्ड वन परकिंजे फाइबर एंड लास्ट वन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. सो विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, साइनो एट्रियल नोड. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोकेजियल वर्टिब्री फ्यूज टू कोकेक्स बोन? टू एट फोर सिक्स. सो कितने होते हैं? ये होते हैं फोर. कितने होते हैं? फोर. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन डिसीज इज ड्यू टू द हाइपोफंक्शन ऑफ? एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू द हाइपोफंक्शन ऑफ द फर्स्ट वन एड्रिनल ग्लैंड, सेकेंड वन पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड वन पैनक्रियाज ग्लैंड एंड द लास्ट वन थायरॉइड ग्लैंड. सो विच वन इज करेक्ट? एडिसन डिसीज इज ड्यू टू द हाइपोफंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है. किससे होता है? एड्रिनल ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉलर बोन? किसे बोलते हैं कॉलर बोन? द फर्स्ट वन स्टर्नम, सेकेंड वन टिबिया, द थर्ड वन क्लेविकल एंड द लास्ट वन फिबुला. किसे बोलते हैं? तो ये होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लेविकल. कौन होता है? ऑप्शन सी, दैट इज क्लेविकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी लास्ट टू सेट्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड? द वेरी लास्ट टू सेट्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स, नन ऑफ द अबव. सो विच वन इज करेक्ट? सो कौन सा होता है? ये होता है फ्लोटिंग रिब्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्किंसोनिज्म डिसीज, पार्किंसन डिसीज देयर इज प्रीडोमिनेंट लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन पार्किंसन डिसीज देयर इज प्रीडोमिनेंट लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन. तो कहा होता है? ये होता है सबस्टेनिया निग्रा. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. किसमें होता है? ये होता है सबस्टेनिया निग्रा. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, सुप्रारिनल, थायरॉइड एंड एंटेरियर पिट्यूटरी. सो किससे होता है? ये होता है एंटेरियर पिट्यूटरी. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटन इज? द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटन इज थाई बोन, स्टर्नम,
टिबिया, फिबुला. सो विच वन इज करेक्ट? लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन स्केलेटन कौन सा होता है? तो इस ये होता है थायबोन. थायबोन ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन कैंसर इज कौन सा होता है? द फर्स्ट वन ल्यूकेमिया, सेकेंड वन माइलोमा, थर्ड वन सार्कोमा एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव. सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन कैंसर कौन सा होता है? तो ये होता है सार्कोमा. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है नी जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है नी जॉइंट जो होता है, एग्जाम्पल होता है हिंज जॉइंट का. ठीक है, आई थिंक इसके भी एग्जाम्पल्स एंड कहाँ से सिक्रेट होता है हार्मोन कौन सा, सॉरी जॉइंट वगैरह का लिया है शायद मैंने क्लास. जॉइंट एंड देयर क्या लिया था एक बार देख लेना. लोकेशंस आई थिंक वो भी क्लास कंडक्ट की है, एक बार देख लीजिएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्मोन्स बाय, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, किससे कनेक्टेड होते हैं बोन्स? लिगामेंट्स, टेंडन, कार्टिलेज, कोलाइजन. सो विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है बाय टेंडन. ऑप्शन सो क्या था क्वेश्चंस? मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज क्वेश्चन. ऑप्शन ए 5, 3, 7, 12. सो टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितना होता है? तो यह होता है ऑप्शन सी, दैट इज 7. कितना होता है? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका होता है? ये ऑप्शन ए साइनोवियल जॉइंट, फाइबरस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? सो सुचर बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होता है फाइबरस जॉइंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ बोन को? द फर्स्ट वन पेरियोस्टेम. सो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ, क्लास को यही स्टॉप कर देती हूँ. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ठीक है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे यहाँ पे. सो आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व कर लेना. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जिनको क्विज देना है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रॉम वॉचिंग दिस क्लास. थैंक यू.